सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी आप सब लोग जानते हैं कि एक जातिवादी अध्यापक ने, आतंकवादी अध्यापक ने छोटे से इंद्र मेघवाल को पीट पीट करके मार डाला, वो भी इसलिए क्योंकि प्यासा बच्चा था। एक तरफ ये कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान के समान होता है और वो प्यासा बच्चा इसका मटका छू लेता है तो इसके अंदर जातिवादी आतंकवादी जाग जाता है और ये पीट पीट पर के इंद्र मेघवाल को मार देता है। मैं आज आप लोगों से आखिरी बात करने आया हूं, अंतिम बात करने आया हूं। इसके बाद बात करने की हमारी हिम्मत और तुम्हारी हिम्मत नहीं बचेगी। वो ये है कि ये मान सम्मान की अंतिम लड़ाई मानकर मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जालौर की धरती पर 1 करोड़ बहुजन समाज के लोगों को पहुंचना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, तमाम संतों गुरुओं के नाम पर आपने लाखों संगठन बना रखे हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, उन संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुखिया, सुप्रीमो ही अपनी अगर गाड़ी उठा करके जालौर की तरफ चढ़ दे तो ये सामंती जालौर छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन हम इतने बुजदिल हो गए हैं, इतने मर गए हैं, इतने डरपोक हो गए हैं कि सत्य के साथ खड़े होने में हमको डर लगने लगा है। याद रखना, यह संविधान देश में लागू है तब तुम इतने बुजदिल हो, अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो तुम्हारी क्या दशा होगी ये आपकी पीढ़ियां आने वाली बताएंगी। इसलिए आज मैं बौद्ध भिक्षु, देश भारत के सभी समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले संतों गुरुओं को अपना आदर्श मानने वाले बौद्ध भिक्षुओं से, कबीर पंथ के लोगों से, रविदासियों से, अंबेडकर वादियों से, जगदेव प्रसाद को मानने वाले लोगों से, राम स्वरूप वर्मा को मानने वाले लोगों से, तमाम ललित सिंह यादव को मानने वाले लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी कार उठाएं, ट्रेन बुक कराएं, हवाई जहाज से आए, जालौर पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो हम जान जाएंगे कि आपने गुलामी स्वीकार कर ली है, आपके अंदर हिम्मत खत्म हो गई है, आप मर गए हैं, बुजदिल हैं। जालौर जिला गुजरात के सटीक में है। मैं गुजरात के सभी जिंदा लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में जालौर पहुंचिए। हरियाणा के लाखों लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में जालौर पहुंचिए। राजस्थान की सरकार को हिला दीजिए, इस गहलोत की सरकार को हिला दीजिए। मैं मध्य प्रदेश के लाखों जिंदा लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी जालौर पहुंचिए। पंजाब के लाखों लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप भी पहुंचिए। और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। अरे कभी मूछों की वजह से तुम्हें मार डाला, आज पानी की वजह से तुम्हें मार डाला, आज उनका नंबर लगा है, कल तुम्हारा नंबर भी लगेगा। याद रखना, यही सामंती तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हें मारेंगे। इसके पहले जाग जाओ, होश में आओ और चलो जालौर राजस्थान। मैं स्वयं 18 तारीख को जालौर पहुंच रहा हूं और जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता मैं जालौर की धरती को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आह्वान है। तमाम मेरे योद्धा जालौर की धरती पर जा रहे हैं। अगर उन सामंतियों ने हमारे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के लड़ने वाले योद्धाओं को अकेला घेर लिया तो उनकी हत्या वो कर सकते हैं। सरकारें पुलिस के माध्यम से उनको घिरवा करके हत्याएं करा सकती है, लाठी चलवा सकती है। इसलिए कम से कम 1 करोड़ की संख्या में जालौर पहुंचिए। आर पार की लड़ाई अब लड़नी होगी। आज लड़ लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे, नहीं तो लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, तब भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे गुलामी से। याद रखना, संविधान है भारत में, डरने की जरूरत नहीं है। इन सामंतियों को सबक सिखाना है, इनके अंदर जो कीड़ा जातिवाद का बैठा है उसको मिटाना है। बहुत लोग भाषण देते हैं कि मैं बाबा साहब के सपनों का भारत बनाऊंगा, आओ दम है, जिगरा है तो चलते हैं जालौन और इन जातिवादी आतंकवादियों से लड़ने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी लड़ने वाले रणबांकुरों को जिन्होंने स्वयं चेतना जगाकर वहां पहुंचने का निर्णय लिया है। मैं भी पहुंच रहा हूं, आओ हम सब मिलकर धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उसे झेलने की जिम्मेदारी लेते हैं और कष्ट उठाएंगे, लेकिन इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाएंगे। ये छोटा बच्चा है,
9 साल का बच्चा है, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, आपको कष्ट नहीं हुआ, आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या करते? खून जो तुम्हारा ठंडा हो गया है उसे जगाओ। तुम कोई छोटे लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। तुम्हारे पुरखों ने यह भारत बनाया है, तुम्हारे पुरखों ने भारत को शीर्ष पर पहुंचाया, विश्व गुरु का दर्जा दिलाया है, तुम उनकी संतान हो। तुम कोई छोटे लोग नहीं हो, अछूत लोग नहीं हो। ये जालिम लोग तुम्हें इस तरह से मारेंगे, बर्दाश्त तुम कब तक करते रहोगे? लानत है मुझे तुम पर। इतने संगठन तुमने बना रखे हैं कि संगठन का मुखिया भी अगर पहुंच जाए तो करोड़ों लोग जालों में इकट्ठे हो सकते हैं। आओ, मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, चिंता है, दुख है, कष्ट है। उस परिवार को मारा गया, कोई कहने वाला नहीं है। आओ, अगर आज आपने अपने घर से कदम नहीं निकाला तो मैं ये जान जाऊंगा कि आपने गुलामी स्वीकार कर ली है और अब आपको आजाद होने की जरूरत नहीं है। चलो हम जालौर चलते हैं, इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दिलाएंगे और जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता हम जालौर में ही डेरा डालेंगे। करोड़ों लोग पहुंचिए वहां, अरे 100 करोड़ लोग हो तुम भाई भारत में, 100 करोड़, और 1 करोड़ लोग जालौर नहीं जा पा रहे, इससे ज्यादा बुजदली और क्या हो सकती है? आओ हम जालौर चलते हैं, सरकार से लड़ेंगे, सामंतियों से लड़ेंगे, ये अंतिम लड़ाई होगी। फिर कोई कभी जातिवादी आतंकवादी इस तरह से नफरत करके मूछ वाले को नहीं मारेगा, पानी छूने वाले को नहीं मारेगा, नीचा आपको नहीं कहेगा, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहेगा। हमें सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बहुत लड़ ली, अब व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आओ, अगर हम लोग मारे भी गए तो आने वाली पुस्तें याद रखेंगी कि हम मारे गए। जो घर में बैठ के मारे जा रहे हैं, बीमार होके मारे जा रहे हैं, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। आओ, अपने अंदर बैठे भगत सिंह को जगाओ, बाबा साहब को जज्बे को जगाओ और जालौर के बच्चे को न्याय दिलाओ। मैं चाहता हूँ सब लोग सभी राज्यों से लाखों लाखों की संख्या में जालौर पहुंचे और सरकार से सामंतियों से लड़कर उस बच्चे को न्याय दिलाएं। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ जालौर पहुंच रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।